जय हिंद। सबसे पहले स्वागत है आप सभी क्वेश्चन वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कन्या उत्थान योजना से संबंधित जानकारी चाह रहे थे, ठीक है। खास करके सेशन 2020 से 23 वाले कैंडिडेट जिनका अभी तक ऑनलाइन आवेदन शुरू भी नहीं हुआ है, वो कब तक होने की संभावना है। साथ में अभी जो कन्या उत्थान से संबंधित अभी तक की जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह की जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे पहली बात, आप लोगों को कन्या उत्थान योजना के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अभी हम मेगा सॉफ्ट पे विजिट किए, जो कि कन्या उत्थान योजना के वेबसाइट है मेगा सॉफ्ट, तो उस पर विजिट किए और स्नातक के बारे में जानने का प्रयास किए, क्योंकि हमारे चैनल पे ग्रेजुएशन के ही ज्यादा कैंडिडेट है, ठीक है, इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन वाला ही चुने हैं। और इसमें क्या होगा कि सबसे कैंडिडेट का जो सेशन हो सकता है, सत्र हो सकता है, वो 2019 से 22 हो सकता है या 2020 से 23 हो सकता है, इतने आदमी का होगा, ठीक है। और वैसे 2000 चलिए 2000 मैं यह ले लेता हूँ, 18 से 21 वाला, तो इतना काम ले लेते हैं तीन का। अब तीनों को मिलेगा, कब मिलेगा और किनका मिल गया है, किनको मिलने की संभावना अब नहीं है, वो मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। सबसे पहली बात देखिए, मैंने मेगा सॉफ्टवेयर विजिट किया, स्नातक के बारे में जानने का प्रयास किया। देखो देखिए, अगर आपका रिजल्ट, देखिए रिजल्ट के बारे में मैं पहले बोल देता हूँ, अगर आपका रिजल्ट 1/4/2021 से 31/3/2023 तक जारी किया गया है ना ग्रेजुएशन का, तो इतने कैंडिडेट का जो है ना, इतने कैंडिडेट का ऑनलाइन आवेदन हो चुका है, ठीक है, इतने कैंडिडेट का। और आप लोग अगर करा दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कराए हैं तो आपको इसका लाभ 9 के बराबर ही मिलने वाला है। और अगर आगे चल करके अपडेट आएगी वो मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताते रहूंगा, ठीक है, वीडियो के माध्यम से, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सबसे पहले इतने में आपका अगर रिजल्ट आया है तो आप लोग ध्यान पूर्वक देख लें, ठीक है, इतना तक का मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद जिनका रिजल्ट आया है ग्रेजुएशन वाले का, इसके बाद अगर आया है तो इनका क्या अपडेट है अभी तक, मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए 2023 में जो है बहुत से कैंडिडेट का रिजल्ट जो है वो देरी से आया होगा, पहले भी आया होगा, लेकिन इनको मालूम नहीं होगा कि कन्या उत्थान का योजना का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो इसीलिए इतना जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखे, आवेदन की अंतिम तिथि। देखिए जो मेगा सॉफ्ट पे अभी बताया गया है ना, आवेदन की अंतिम तिथि वो अपडेट थी, अंतिम तिथि देखिए 30/4/2023 तक की, ठीक है, इतना तक। और बीच बीच में जो है नोटिफिकेशन आते गया और एक्सटेंड किया गया था डेट को, तो वो अपडेट नहीं किया गया है मेगा सॉफ्ट पे, इसीलिए मैं इतना ही लूंगा, और स्नातक वाले के लिए शायद अपडेट नहीं किया गया है, तो इतना अंतिम तिथि था। और आवेदन की अंतिम रूप देने की आखिरी तिथि, देखिए अब फाइनलाइज करेंगे ना, तो उसकी अंतिम तिथि कितना है, 5/5/2023 थी, अब वो क्या हो गया, ये डेट भी समाप्त हो चुका है ना, क्लोज हो चुका है। इसके बाद देखिए, जिनका रिजल्ट 31/3/2023 तक प्रकाशित हुआ है और पोर्टल पे रिजल्ट अपलोड है, उनके लिए आवेदन शुरू हो गया है। अब ये बात जो है इन सबों को मिला करके है, ऐसा नहीं कि अब आप लोग कहिएगा ठीक है, अब आप लोग करिएगा, ऐसा नहीं, ये सभी बात बताया गया है। और इतना तक जा प्रकाशित हुआ है, मैंने यहाँ पे पहले ही बोल दिए है, इतना तक प्रकाशित हुआ है तो उनका आवेदन हो चुका है, अगर आप लोग नहीं किए हैं तो वो आपकी गलती है, और अगर हो गया तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा, अगर अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल अभी कोई आप लोगों के लिए स्पेशल जानकारी नहीं आएगा, ठीक है। हम इस बार मेन रूप से बात कर लेते हैं, सॉरी ठीक है, 20/23 ठीक है, इसका अभी नहीं मिला है, जिनका जिनका 20/23 सेशन है ना, उनको देखिए लिंक अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, 20/23 वाले अभी वेट करेंगे, जब आपका रिजल्ट इतने के बाद अगर जारी हुआ होगा ना तो आप लोगों का आवेदन होगा और बहुत जल्द होगा, ठीक है, तो आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा। अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, और फालतू में मैं कह दूं कि इतना 3 दिन वेट करिए या इतने तारीख से होगा, ये भी संभव नहीं है, ठीक है, मेरे चैनल पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो।
इस सत्र 2020 से 23 वाले 19 से 22 वाले का हो चुका है फिर भी आएगा, 18 से 21 वाले का हो चुका है फिर भी आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन मेन रूप से 20 23 वाला का तो आना ही है, 110% आएगा, इसका तो कोई नहीं काट सकता है, ये आएगा ही, ठीक है। इसको आएंगे या नहीं आएंगे वो अपडेट दिया जाएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसका तो कम संभावना है, लेकिन 19-22 का संभावना है कि आ सकता है। इसके बाद जो है 20-23 की संभावना 110% है, क्योंकि बहुत से अभी यूनिवर्सिटी में अभी 20-23 का सेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इनका तो होगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज समझ करके चलना है कि अभी एप्लीकेशन किसी भी कैंडिडेट का स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अगर आप करते हैं, अगर आप लोगों को भुगतान भी हो जाता है ना, तो उसका जिम्मेवार आप होंगे और आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो कि बताया गया है, मैं नहीं बताऊंगा, मेगा शॉर्ट पे जाकर के आप लोग देख लीजिएगा ये बात। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है, जो भी अपडेट आएगा कन्या उत्थान से संबंधित मैं देते रहूंगा, फिलहाल आप लोगों को वेट करना है जिनका अभी ऑनलाइन आवेदन नहीं हुआ है, ठीक है। और ज्यादा जानकारी आप मेगा सॉफ्ट पे विजिट करते रहिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।